क्या आप भी पाकिस्तान इज्जत करना चाह रहे हैं? अगर आप चाहते हैं इज्जत करना तो हुजूर हम सब लोग भी आपके साथ इज्जत करेंगे। तो मेरे दादा अब्बा ने जानते हैं क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं हजरत मखदूम जहां की दरगाह को बाजार को छोड़कर कहां इज्जत कर सकता हूं। और उन्होंने एक बोल्ड स्टेप उठाया कि मेरा जीना और मरना इसी सरजमीन पर है और मेरे बुजुर्गों का भी जीना और मरना इसी सरजमीन पर है। नतीजा ये हुआ कि उनके इस फैसले से जो एक हलचल मची हुई थी मुल्क में और इस तरफ जो मची हुई थी वो हलचल रुक गई और इस शहर से कोई भी आदमी हिजरत करके न गया। और उसका असरात ये हुआ कि यहाँ से शेखपुरा, जहानाबाद, नवादा जो बगल के अजला है वहां से भी लोग हिजरत करके नहीं गए। तो दोस्तों अजीजों, ये एक फैसला होता है जिसके असरात बड़े दूर तक होते हैं। तो आज कौम की रहबरी रहनुमाई की भी जरूरत है कि हमें पुरमन एहतजाज करना है और कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है जो इस मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाए। अरे हम तो सलामती वाले हैं, हम तो सलामती की दुआ करने वाले हैं और हमेशा इस मुल्क को सलामती का पैगाम दिया है, चाहे ख्वाजा गरीब नवाज हो, चाहे मखदूम जहां हो, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया हो। अगर ये बुजुर्गान दीन ना होते तो इस मुल्क का शिराजा बिखर जाता। CAA एक्ट ये कानून हमें नहीं मंजूर, इसलिए दो वजह से हमें ये कानून नहीं मंजूर है। CAA हमको इसलिए नहीं मंजूर है कि ये गैर संवैधानिक है, हिंदुस्तानी दस्तूर और आईन की अनदेखी करते हुए इस कानून को लाया गया है, इसलिए ये किसी भी कीमत पर हमें मंजूर नहीं हुआ है। इसके असरात और नतायज कितने दूरस्थ होंगे, तो ये बात तय पाई कि हर खानकाह के सज्जादा नशीन अपने अपने तौर पर अपनी बात को रखें ताकि पूरे हिंदुस्तान की आवाम को ये पता चले कि खानकाहें भी इस कानून के खिलाफ हैं। एक बात आप सब लोगों के सामने मैं ये रखना चाहता हूँ, जिस वक्त मुल्क आजाद हो रहा था